दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। दोस्तों आज हो चुका है 29 नवंबर 2022 मंगलवार। एक बार फिर से हम आपके लिए आज की 5 बड़ी भर्तियों की अपडेट लेके आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, इन भर्तियों के फॉर्म भरना बिल्कुल मत भूलिएगा। सुनहरा अवसर निकला है, ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हो। मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट इन फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पर 10वीं और 12वीं पास के लिए भी आवेदन करने का बड़ा मौका निकला है। रेलवे में बिना एग्जाम की सीधी भर्ती की अपडेट आ चुकी है। सहकारी बैंक में भी बम्पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और आवेदन प्रक्रिया भी स्टार्ट हो चुकी है। परिवहन निगम के अंतर्गत भी बिना एग्जाम की सीधी भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया चल रही है। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे कि क्या यहाँ पर पोस्ट वाइज वैकेंसीज निकली है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप इन भर्तियों की ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं 29 नवंबर 2022 की 5 बड़ी भर्तियों की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, जो यहाँ पर इसमें फर्स्ट नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है रेलवे रिक्रूटमेंट सेल सेंट्रल रेलवे में। भारतीय रेलवे के अंतर्गत ये भर्ती है। स्पोर्ट कोटा, स्काउट्स एंड गाइड्स कोटा और कल्चरल कोटा के माध्यम से भर्ती होने जा रही है। वैकेंसीज आप नोटिफिकेशन की पीडीएफ से ही चेकआउट कर सकते हो। बात अगर इम्पोर्टेंट डेट की जाए तो आवेदन इसके लिए स्टार्ट हो चुके हैं 28 नवंबर 2022 से। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 12 दिसंबर 2022 है। सैलरी लेवल 1, 2, 3, 4, 5 के अंतर्गत प्रति माह के लिए प्रोवाइड की जाएगी। 10वीं 12वीं पास आईटीआई डिग्री धारक अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 25 और 30 वर्ष यहां पर आयु सीमा है। एप्लीकेशन फीस एससी एसटी ई एक्सेस मैन पीडब्ल्यूडी फीमेल ईबीसी कैटेगरी के लिए 250 है जो कि रिफंडेबल है। अदर कैटेगरी के लिए 500 है, इसमें 400 रिफंडेबल है जो कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग से ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। सिलेक्शन होगा इसमें आपका बिना एग्जाम के ट्रायल के आधार पर। ऑनलाइन तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हो। rrccr.com ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो यहाँ पर इसमें सेकंड नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है एमपी कोऑपरेटिव बैंक में। सहकारी बैंक के अंतर्गत क्लर्क कम कंप्यूटर ऑपरेटर और सोसाइटी मैनेजर की भर्ती है। 2254 वैकेंसीज है। क्लर्क या कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 896 पद है। सोसाइटी मैनेजर के भी 1358 खाली पद है। बात अगर यहाँ पर इसमें इम्पोर्टेंट डेट की जाए तो आवेदन इसके लिए 26 नवंबर से शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 25 दिसंबर 2022 है। एग्जाम डेट अभी डिक्लेयर नहीं की गई है, इसलिए आप नोटिस से चेकआउट कर सकते हो। ग्रेजुएट डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। 18 से 35 वर्ष आयु सीमा है। एप्लीकेशन फीस जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 500 है। एससी एसटी पीएच कैंडिडेट्स के लिए 250 है जो कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, आईएमपीएस, कैश कार्ड या मोबाइल वॉलेट से ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। ऑनलाइन एग्जामिनेशन के आधार पर ही सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन तरीके से ही आप आवेदन कर सकते हो। जॉब लोकेशन एमपी मध्य प्रदेश है। ऑल इंडिया से अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। apexbank.in की ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो यहाँ पर थर्ड नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन में। लोक सेवा आयोग CGPSC के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। बात अगर इसमें यहाँ पर पोस्ट की जाए तो इसमें पोस्ट है नायब तहसीलदार, स्टेट टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर, एक्साइज सब इंस्पेक्टर, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर CDPO, फूड ऑफिसर या असिस्टेंट डायरेक्टर, कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर या कोऑपरेटिव एक्सटेंशन ऑफिसर, असिस्टेंट प्रिसन सुपरिंटेंडेंट, सबॉर्डिनेट अकाउंट सर्विस ऑफिसर, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, फाइनेंस सर्विस, डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर, असिस्टेंट डायरेक्टर या डिस्ट्रिक्ट वोमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफिसर, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑडिट या फाइनेंस, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार, सुपरिंटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल, एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर की टोटल वैकेंसी यहाँ पर 189 निकली है। आवेदन इसके लिए स्टार्ट होंगे 1 दिसंबर से। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 20 दिसंबर है।
करेक्शन यहाँ पर एरर के लिए 21 से 22 दिसंबर डेट है, पेड एरर करेक्शन के लिए 23 से 24 दिसंबर डेट है। बात अगर यहाँ पर सेलरी डिटेल की जाए तो CDPO सबोर्डिनेट अकाउंट सर्विस पोस्ट के लिए 38,100 है, नायब तहसीलदार के लिए 35,400, एक्साइज सब इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव एक्सटेंशन ऑफिसर के लिए 28,700, असिस्टेंट प्रिसन सुपरिंटेंडेंट के लिए 25,300, बाकी की सभी पोस्ट के लिए 56,100 सैलरी है। बैचलर डिग्री से आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट 21 से 28 वर्ष है। फीस अदर कैंडिडेट के लिए जो छत्तीसगढ़ से अलग राज्य के हैं उनके लिए 400 रुपये है। लोकल कैंडिडेट जो छत्तीसगढ़ के हैं उनको फीस जमा नहीं करनी होगी। एरर करेक्शन फीस 500 रुपये है। पोर्टल फीस प्लस GST फील सभी कैंडिडेट्स को जमा करनी होगी। ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। प्री एग्जाम मेन एग्जाम से सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन तरीके से ही आप अप्लाई कर सकते हो। छत्तीसगढ़ जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया से ऑनलाइन कर सकते हो। PSC.CG.GOV.IN की ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो फोर्थ नंबर की जॉब है वो निकली है नेशनल हेल्थ मिशन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM हरियाणा में। स्टाफ नर्स लेबोरेटरी टेक्नीशियन ANM MO मेडिकल ऑफिसर और भी पोस्ट है। 107 वैकेंसीज निकली है। लास्ट डेट अप्लाई करने की 5 दिसंबर 2022 है। सैलरी की अगर बात की जाए तो 9,840 से 50,000 है प्रति माह के लिए। 12th BSc नर्सिंग ANM GNM BMS BHMS BDS MBBS डिग्री डिप्लोमा से आप अप्लाई कर सकते हो। 18 से 42 और 65 वर्ष आयु सीमा है। फीस जमा नहीं करनी होगी। टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर इसमें आपका सिलेक्शन होगा। ऑफलाइन तरीके से आवेदन कर सकते हो। हरियाणा जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। NHMHaryana.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इसमें 5 लास्ट नंबर की जॉब निकली है वो निकली है तमिलनाडु स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में, परिवहन निगम के अंतर्गत भर्ती है। ग्रेजुएट अप्रेंटिस टेक्नीशियन डिप्लोमा अप्रेंटिस की पोस्ट है। 340 वैकेंसी यहाँ पर टोटल निकली है। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 5 दिसंबर 2022 है। सैलरी ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए 9,000 है, टेक्नीशियन डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए 8,000 है। डिग्री या डिप्लोमा इंजीनियरिंग से आप अप्लाई कर सकते हो। अप्रेंटिसशिप रूल के अकॉर्डिंग ही आयु सीमा तय की जाएगी। फीस आपको जमा नहीं करनी होगी, ना ही एग्जाम देना होगा, मेरिट से चयन होगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। तमिलनाडु जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया से ऑनलाइन कर सकते हो। TNSTC.in की ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों ये थी आज की यानी कि 29 नवंबर 2022 मंगलवार की टॉप 5 भर्तियों की पूरी जानकारी। अगर आपको भिन्न भर्तियों के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट INDSarkarinaukri.in का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहीं से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो और अप्लाई भी यहीं से कर सकते हो। सभी भर्तियों के इंपॉर्टेंट लिंक यहीं पर प्रोवाइड करा दिए गए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी ही बिग अपडेट अपलोड करते हैं।